हाँ गुड इवनिंग, ऑलमोस्ट इवनिंग हो गया। तो अभी हम ये बकरौर गाँव आए हैं और इस गाँव का जो है पुराना नाम जो है सेनानी हुआ था करता था। तो ये जगह जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है बुद्धिस्ट के लिए विशेष करके, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ जब भगवान बुद्ध जो है यहाँ से पीछे जो है डोंगेश्वर पहाड़ के जो है वहाँ कैप्स है यहाँ से नहीं देखा जाएगा। इसके बारे में आप लोगों को एक वीडियो में डोंगेश्वर पहाड़ और वहाँ के जो गुफा है जिसमें जो है 6 साल भगवान बुद्ध का जो तपस्या हुए थे उसके बारे में एक वीडियो पहले आप लोगों को बना के मैंने दिखाया था। तो ये वो जगह है जब भगवान बुद्ध वहाँ से जो है अल्टीमेटली अपना जो है ये जो भूख प्यास बिना आन बिना पानी जो है सेवन किए हुए अपने आप को सुख के घंटा बना दिया, बिल्कुल स्केलेटन हो गया था। तब उनको एहसास हो गया कि ये जो मार्ग मैंने जो पकड़ा है ये कोई सही मार्ग नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर शरीर ही नहीं रहा तो फिर जो है इंसान मर जाएगा, इंसान मर गया तो कहाँ से जो है सच्चाई ढूंढ पाएंगे। लिहाजा जो है उन्होंने जो है डोंगेश्वर पहाड़ से जब वो निकल के आया तो यहाँ से जो है निरंजना जो नदी है वो यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, वो निरंजना नदी में गए, पानी में डुबकी लगाया, अपना शरीर को नहाया धोलाया, बाहर निकला। बहुत कमज़ोरी था उनमें नेचुरली, तो जैसे तैसे करके पेड़ से खुशी से पकड़ के बाहर निकल के जो है इस स्थान पे जब आए तो एक बरगद का पेड़ है इधर देखिए, ये अभी जो है फिफ्थ जनरेशन बता रहा है, इससे जो है फोर्थ जनरेशन सूख के फिर उसी जगह पे जो है नया आ गया, फिर सूखा फिर नया आया, फिफ्थ जनरेशन ये पेड़ जो है इस बरगद के पेड़ के नीचे जो है वो चढ़ने लगे। इन द मीन टाइम इससे पहले जो है वीडियो बनाया इस गाँव में जो है एक राजा जैसा हुआ करता था, राजा का नाम तो केशवपति राजा थे। उनके जो है बेटी जी सुजाता जी जो कि एक बहुत अच्छे खानदान से थे, उनको जो है कृषि क्या बोलते हैं केशवपति मतलब जो है राजा थे। कृषि मतलब जो है जो गाँव वाले खेती बाड़ी गाय ये भैंस पालन करने वाला जो है कृषि से जो है पूरा इलाका कृषि का इलाका था उस सब का जो है वो मालिक था, और उनके पास हजारों गाय थे, बहुत दान थे दौलत थे। लेकिन उनकी बेटी का जो पास जो है संतान नहीं थे, बेटा नहीं हो रहा था। तो उस ज़माने में ऐसा एक मान्यता था कि जो भी जो है इस वृक्ष के पेड़ के पे आके अगर पूजा करेगा दुआ मांगेगा तो उनको जो है संतान होगा। लेकिन उस ज़माने में अभी तो चारों ओर खेती बाड़ी है सब कुछ है, उस टाइम जो है यहाँ जो है बहुत गंगोर जंगल हुआ करते थे। इवन सुजाता के जो है घर से यहाँ आना भी जो बहुत दुश्वार था जंगल के बीच में। तो जब सुजाता जो है यहाँ आके पूजा किए और ये वरदान मांगा कि मुझे जो है संतान हो, तो सुजाता का जो है बच्चा हुए और उसी को जो है दोबारा जो है वृक्ष को जो है धन्यवाद करने के लिए आए। उस टाइम जो है नेचर को जो है बहुत पूजा करते थे, निरंजना नदी का पूजा करना, वृक्ष का पूजा करना, हवा का पूजा करना, पानी का पूजा करना, जंगल का पूजा करना। तो वो जब यहाँ जो है धन्यवाद करने के लिए आए कि हमको संतान दिया आपने, तो उस टाइम देखा कि यहाँ इसके नीचे जो है एक बहुत ही कमज़ोर लाचार बिल्कुल एकदम बेहोश हालात में जो है एक आदमी जो है पड़ा हुआ है। और उन्होंने सोचा कि ये तो जो है हो ना हो ये जो वृक्ष का जो है देवता है वही जो है साक्षात जिंदा जो है यहाँ बैठे हुए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो सिद्धार्थ गौतम है, वो सिद्धार्थ गौतम थे जो 6 महीना जो है गौर तपस्या करके वहाँ से जो है डोंगेश्वर पहाड़ से जो यहाँ आए थे और वो कमज़ोर होकर जो है बेहोश जैसे पड़े हुए थे। तब फिर उन्होंने जो है दौड़ के गाय अपने घर जाके वहाँ से जो है गाय के दूध का जो है खीर बना के लाए। अब उसमें भी जैसे मैंने पहले आपको सुनाया था, कई बोलते हैं कि 1000 गाय के दूध का खीर बना था, कई बोलते हैं कि 1 गाय का दूध दूसरे को पिला के ऐसे 1000 गाय के दूध का जो खीर बनाया था। वहाँ एक गाँव वाले ने बोला 141 गाय का खीर दूध इकट्ठे करके जो खीर बनाया था। जो भी बनाया था खीर बना के जो है सुजाता लेके आए सोना के पत्र में और यहाँ जो है भगवान बुद्ध को जो है ऑफर किया। जब भगवान बुद्ध को ऑफर किए तो उन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया शुरू में, और शायद एक्सेप्ट करने की स्थिति में भी वो नहीं थे, नीम बेहोश हालात में थे, कमज़ोरी थे, पूरे शरीर में जो एनर्जी था नहीं।
तो फिर सुजाता ने जो है एक दफा पुनर जो इसको क्या बोलते हैं बिना गिटार का जो है जो आवाज टुंगेश्वर पहाड़ में सुना था, ऐसे सेम एक एग्जांपल जो है सुजाता ने जो है सिद्धार्थ गौतमा के सामने रखे, बोला कि बिना का जो जो तार है उसको इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, तो वो किसी काम का नहीं रहे, उसको इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो बेसुरा हो जाए, उसको जो है इतना ही कसो बीच में रखो, ना ज़्यादा बहुत कसा हो ना ज़्यादा बहुत ढीला हो, अगर आप इस खीर को सेवन नहीं करेंगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप मर जाओगे, और आप मृत्यु हो गए तो आपका शरीर ही नहीं रहा तो आपको जो है ज्ञान कहाँ से मिलेगा, कौन ज्ञान देगा। तो जब ये किया तो भगवान बुद्ध ने फिर वो खीर एक्सेप्ट किए, और ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने जो है चम्मच बोलो या गुड बोलो या मोरसल बोलो 49 मोरसल में जो है वो सुजाता का जो है दिया हुआ खीर जो है उन्होंने एक्सेप्ट किए और खाए। ये जो 49 वाला जो बात है उसके पीछे भी जो है रहस्य है, क्योंकि रास है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है बाद में जब वहाँ पिपड़ के पेड़ के नीचे जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुए, बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद जो है 49 डेज उन्होंने किसी को टीचिंग नहीं दिए थे, उसी इलाके में और तपस्या और जो है मेडिटेशन करते रहे थे। खैर उस पार्ट को छोड़ दीजिए, अभी ये वो जगह है जहाँ जो है कुल मिला के सुजाता ने जो है सिद्धार्थ गौतमा को जो है खीर खिलाया था, जिससे वो शरीर से जो है दोबारा जो है तंदुरुस्त हुए, और बाद में जो है मीनांजना नदी पार करके जो है वो गए, और पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिन जब और तपस्या किए तो उनका बुद्धत्व प्राप्त हुआ। चलिए अंदर जाके देखते हैं। कैंपर भोगपुर बोध गया, ओपनिंग टाइम 6 बजे जी, और इसका क्लोजिंग टाइम है शाम के 6 बजे, सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में जो है यहाँ जो है आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ ये है इसका प्रांगण है, ये देखिए बोरगढ़ ये है बोरगढ़, ये यहाँ का जो है पुजारी जी ने मुझे बताया कि ये जो है फिफ्थ जनरेशन पेड़ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है बूढ़ा होके मर गया इसका, लेकिन उसकी जगह फिर पैदा हो गया, तो ये फिफ्थ जनरेशन। तो यहीं से घूमते हैं, यहाँ क्या है बोल रहे थे, ये तो नवीन बन रहा है सर, कुछ थाई के ग्रुप थे, थाई के थे कुछ, हाँ जी, अच्छा। ये जो भगवान बुद्ध का जो है प्रतिमा है, मासू जाता जी का जो है प्रतिमा बनाया है, ये कोई थाई ग्रुप आके जो है यहाँ इस मूर्ति का जो स्थापना किया बता रहा है, और मेरे ख्याल में ये जो है ये पुराना है जिसमें जो है ये इसमें भगवान बुद्ध का जो है प्रतिमा है, और मेरे ख्याल में ये सुजाता है, वो सुजाता की जो है दासी थे, और एक गाय का भी यहाँ बनाया है, ये गाय का ये मतलब ये है कि गाय के दूध का खीर बना के जो है सिद्धार्थ गौतमा को जो है सुजाता ने जो है ऑफर किए थे, और जो मूर्ति है उसमें सिद्धार्थ गौतमा का जो है शरीर जो है बिल्कुल हड्डी का दिखाया गया है, यहाँ तक जो है वो कमज़ोर हो गए थे बताते हैं कि आगे से हाथ डालने से जो है पीछे का रेत की हड्डी जो है पता चल जाता है, कुछ बचा ही नहीं था, और बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम जो तपस्या जो है बिना एक छोटा प्रतिमा है, और मेन इधर है, ये सब प्राचीन है सर, हाँ बड़ी स्टोन स्टेचू है, हाँ जी, इनको सर सांजे टोंगो बोलते हैं, अच्छा जी, टोंगो मीन्स 1000 सर, 1000 क्लॉक की था, हाँ, संज्ञास्तों स्कूल, संज्ञास्तों स्कूल जी, ये संज्ञास्तों स्कूल जिसमें जो है 1000 बुद्धा जो है, अभी बुद्ध शक्यामुनि जो है हम बोलते हैं कि चौथा है फोर्थ, इससे पहले जो है दीपांकर बुद्धा आए और कुल जो है ये 1000 बुद्धा जो है अपने अपने समय से आता रहेगा, इस 1000 बुद्धा में से जो है जो पांचवा बुद्धा है बुद्ध शक्यामुनि का जो टीचिंग जब इस दुनिया से समाप्त होगा तब जो है मैत्रेय आएगा जो पांचवा बुद्धा है, ये वाला जो है इधर है और यहाँ जो है भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाया है, यहाँ आगे सुजाता का जो है मूर्ति है, और पीछे जो है छोटे छोटे जो है ये बहुत प्राचीन लगते हैं मेरे ख्याल में, जी, खुदाई में मिला अशोका टाइम का सर, अशोका के टाइम का, यहाँ खुदाई वगैरह में मिला ये सर, ये
1917 में ये स्टैचू लगा था सर। अच्छा अच्छा, उसके लिए फाउंडेशन बना था। ठीक ठीक ठीक। तो जहाँ भी जो है भगवान बुद्ध का मूर्ति और सुजाता मूर्ति यहाँ फिर बनाया है, ये जो है डोनेटेड बाय उचित शे प्लस दक्षिण विन फैमिली ससेन रोड बहन यंगोन म्यांमार। म्यांमार के किसी परिवार ने जो है इसको जो स्पॉन्सरशिप किया है। भगवान बुद्ध का प्रतिमा है, सुजाता का प्रतिमा है, हमारे बहने आए हैं दर्शन के पास कहाँ से आए हैं। तो इतना ही है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इधर नहीं। जब पूजा होता है ना गुरु जी का, बड़े गुरु जी का जी, तो बहुत बड़े पैमाने पर दीपक जलता है। स्टैचू है, स्टैचू से ये शायद नहीं मिला होगा, ये सब यहाँ जड़ के पास रहता था। हाँ, ये पेड़ की झाड़ के पास जो है ये प्राचीन है, बहुत पुराना टाइम था। तो यहाँ जो है जलाने के लिए जो है लाइट हाउस बना दिया है, भगवान बुद्ध का प्रतिमा है। और फिर यहाँ हम घूम के पहुँच गया, देखिए यहाँ जो है उसी बरगाह का जो एक और नया पेड़ गया, जिस दिन भगवान ना करे ये अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो ये फिर से जिंदा है। तो इतना सा एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ, जहाँ तक सुजाता का जो है खीर खिलाने वाला जगह, और हम बुद्धिस्ट के लिए जो है ये एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्लेस है। आप सोचिए, अब मैं आंखें बांध करके किस हालात में जो है डोंगेश्वर से जो है सिद्धार्थ गौतमा जो है इस गंगोर जंगल में नदियाँ पार करते हुए यहाँ आए होंगे, और जब वो बिल्कुल एकदम लाचार होके जो है गिर पड़े और इतना मतलब नीम बेहोशी के हालत में आ गया इतना भूख मारी से, और उस टाइम जो है सुजाता ने खीर खिलाया और फिर भगवान बुद्ध जो है उनमें एनर्जी आ गया दोबारा। और फिर एक और स्टोरी जो है ये पुजारी जी ने बताया था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो सुजाता ने जो खीर जो खिलाया था वो सोने के पत्र में खिलाया था। जब उन्होंने खीर सेवन किए वो 49 मोर्सल्स में किए, उन्होंने चम्मच तो होगा नहीं उस टाइम जो भी बोले हाथ से किए, टोटल 49 मोर्सल्स में खीर को ख़त्म किए, और उसके बाद धन्यवाद करके जो है सोने का पत्रा जो है सुजाता को वापस दिए कि ये आपको बर्तन है आपका। तो सुजाता बोलने लगे कि ये तो जो है बर्तन के साथ ही जो है आपको जो है समर्पित कर दिया, खीर और बर्तन दोनों ये आपका हो गया। तो भगवान बुद्ध बोलने लगे, यही चीज़ें तो छोड़ के मैं आया हूँ, फिर तुम मुझे सोने का जो है पत्रा थमा रहे हो, मुझे क्या करना है ना, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे क्या करना है पर ये सोने के पत्रा से। लेकिन सुजाता ने बोला मैं भी आपको दे चुका हूँ तो मैं वापस नहीं लूँगा। तो यहाँ से सिद्धार्थ गौतम जो है वो पत्रा लेके गए, उसका सुजाता ने उनको सुझाव दिया कि आप नरंजना नदी पार करके जाइए, उस तरफ जो है बहुत अच्छा शांति वाला जगह है, वहाँ आप जो है तपस्या कीजिए, तो आपको जो है जो सच्चाई की जो खोज आपको है उसका आखिरी परिणाम आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये जो सोने का पत्रा लेके जो है निरंजना नदी जब पार कर रहे थे, उन्होंने एक संकल्प ले और देखना चाहा कि क्या इनका ये कदम सही है या गलत है, क्या इस कदम से जो उन्होंने कदम उठाया जो 6 साल का तपस्या छोड़ के तोड़ के दूसरा रास्ता अपनाने के जो यहाँ आए हैं वो रास्ता सही है कि नहीं है, इसको देखने के लिए उन्होंने जो है नरंजना नदी में जो है बहते हुए पानी में अपना वो सोने का सुजाता का दिया हुआ पत्रा प्लेट वो फेंक दिए और बोला कि अगर मेरा काम बनने वाला हो और मुझे जो है ज़िंदगी का जो मेरा मकसद है खोज है ये समसरा के जो है दुख जन्म मरण बीमारी बुढ़ापा और ये जो जन्म मरण के चक्रव्यूह है उसे निजात पाने का जो रास्ता मैं खोज रहा हूँ, अगर ये रास्ता आने वाले दिनों में इसी डायरेक्शन में अगर मुझे मिलने वाला होगा तो ये जो पत्रा है वो पानी के साथ नीचे ना बह के विपरीत उल्टा जो है पानी में बहना चाहिए। जैसे पानी में फेंका तो कहा यह जाता है कि ये सोने का पत्रा जो है वो पानी के साथ ना बह के उल्टा जो है विपरीत दिशा में जो है पानी के बरखिलाफ जो है बहने लगे तैरने लगे। तो उनसे जो है उनको यकीन हो गया कि मैं जिस खोज में हूँ यहाँ मैं सही मार्ग पे हूँ और आने वाले दिनों में मुझे जो प्राप्त होना है वो प्राप्त हो गया है, ऐसा भी जो है कहना है। और साथ में इसके साथ एक रिलेटेड और भी स्टोरी है, यहाँ जो है खोजते खोजते जो है वो जो उनके 5 मित्र थे गेलों हंसदे जंगपो बोलते हैं जिसको जो डोंगेश्वर पहाड़ में उनके साथ जो है तपस्या कर रहे थे साथ में,
और उन्होंने अपने आप से जो वादा किए थे एक दूसरे से, जब तक कि हमको जो है मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, हम यहाँ बैठेंगे, खाएंगे भी नहीं, पिएंगे भी नहीं, अपने शरीर को सुख के कंटा बना देंगे, और तपस्या तब से ही जो है हमको हम हासिल करेंगे जो हासिल करना है। लेकिन भगवान ये सिद्धार्थ गौतम को जब पता चला कि इतना जो है तप से जो है जिसका शरीर ही नहीं रहा, तो एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन बस सकता है। जब शरीर ही नहीं रहा तो मन कहाँ से रहेगा, और शरीर नहीं रहा तो मर जाएगा, मृत्यु होगा, तो सच्चाई कहाँ से ढूंढेंगे, तो खत्म हो गया। तो ये जब उन वो छोड़ के वहाँ से आए, और फिर सुजाता ने यहाँ जो है वो क्या बोलते हैं जी उसको बीना के तार का जब एग्जाम्पल दिए, एक उधर भी उन्होंने सुना था बोलते कई दूर से, ये दोनों को मिला के उनको समझ आ गया कि एक स्वस्थ शरीर में ही जो एक स्वस्थ मन बसता है, और जो भी जो है हासिल करना है वो कोई बाहर से हासिल नहीं करना है, अपने अंदर जाके अपने मन को खोज के अपने जो है कॉन्शियसनेस से उसके लेयर परत हटा के जो है असली जो अल्टीमेटली जो बुद्धा नेचर है, इनलाइटेंड माइंड है इंसान के जो भीतर, जिसको जो बुद्धा नेचर भी बोलते हैं, तथाकथा गर्भ बोलते हैं, या जिसको जो है क्लियर लाइट बोलते हैं, वो स्टेज जो है जब उन्होंने रियलाइज किया तो वो इनलाइटन हो गया, बुद्धा हो गया। बुद्ध होने का मतलब जो है कॉन्शियस नॉर्मल कॉन्शियसनेस जो है सुपर कॉन्शियसनेस में चला गया, वो टाइम और स्पेस के जो है जो लिमिट है, टाइम और स्पेस की बंदिश है, उससे बाहर चला गया। तो ये कहानी है। लेकिन उसके जो पांच दोस्त है, जब सुजाता ने खीर खिलाया खाया तो वो नाराज हो गए, बोला ये तो जो है गद्दार निकला, प्रॉमिस किया था कि जब तक हमको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। लेकिन जो है जब सुजाता ने खीर खिलाया, भगवान बुद्ध ने एक्सेप्ट किया खाए, तो उनके दोस्त बोला ये गद्दार है, इसके साथ नहीं रहना का, इनको छोड़ के यहाँ से जो है वाराणसी चलेगा सारनाथ, आज का सारनाथ। लेकिन जब भगवान बुद्ध को जो है 7 दिन के घंघोर तपस्या के बाद जब ये पीपल के दरख्त के नीचे बोधि ट्री के नीचे जब एनलाइटनमेंट हासिल हुए, बुद्धत्व प्राप्त हुए, उसके 49 डे के बाद जब वो जो है सारनाथ गए, तो फिर वो लोग वहाँ मिले थे ये पांच, है ना। शुरू में तो कहा जाता है कि उन्होंने बोला वो देखो वो कौन आ रहा है, ये तो वही गद्दार लग रहा है, इसको ना जो है पानी पिलाना, ना बैठने के लिए बोलना, ना उसको जो है हाथ जोड़ना, कुछ नहीं करना, बात नहीं करेंगे इसको। लेकिन जैसे जैसे भगवान बुद्ध, अब तो बुद्ध हो गए थे, वो सिद्धार्थ गौतम नहीं था, जब बुद्ध साहब आए तो उनके चेहरे का चमक तमक, उनके रोशनी, उनकी शख्सियत, उनके रूहानियत जो छलक रहे थे एनलाइटनमेंट से, उनसे रहा ना गया और उनके पैर में पार गए। और जो फर्स्ट जो टीचिंग दिए थे 4 नोबल ट्रूथ का, नोबल एट फोर्थ पाथ का, जिसको जो है धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, वो सारनाथ में जो है यही 5 दोस्त जो यहाँ से नाराज होकर भागे थे, वही 5 को जो है उन्होंने फर्स्ट टीचिंग दी। तो इनमें सिखानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा